दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम 700 करोड़ रुपए की लागत से तैयार, मोदी करेंगे इसका उद्घाटन। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम गुजरात के मोटेरा में लगभग तैयार हो चुका है। इस स्टेडियम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है। मार्च 2020 में दोनों इसका लोकार्पण करेंगे। BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली का कहना है कि मार्च 2020 में यहां एशिया XI और वर्ल्ड XI के बीच उद्घाटन मैच खेला जा सकता है। इस स्टेडियम को सरदार पटेल स्टेडियम का नाम दिया गया है, जिसके निर्माण पर 700 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। दर्शक क्षमता 1,10,000 है। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड यानी MCG दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, मगर हमारे मोटेरा का स्टेडियम जल्द ही MCG का रिकॉर्ड तोड़ देगा। मोदी और शाह करेंगे सरदार पटेल स्टेडियम का उद्घाटन। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोटेरा में बने दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे तो उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित होंगे। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने कहा है कि मार्च 2020 तक स्टेडियम का काम पूरा हो जाएगा। एसोसिएशन के उपाध्यक्ष परिमल नाथवानी ने ट्वीट कर स्टेडियम के निर्माण की तस्वीरें साझा की थी। नाथवानी ने कहा था कि इसी साल यह स्टेडियम बन जाएगा। मालूम हो कि वर्ष 2017 की जनवरी में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। 64 एकड़ में फैले ग्राउंड की दर्शक क्षमता सबसे ज्यादा मोटेरा स्टेडियम के लिए ऑस्ट्रेलिया की कंपनी पॉप्युलस काम कर रही है। 64 एकड़ में फैले इस ग्राउंड की दर्शक क्षमता सबसे अधिक होगी, जो ऑस्ट्रेलिया के MCG के मुकाबले करीब 10,000 ज्यादा है। इस स्टेडियम में 76 कॉर्पोरेट बॉक्स, 4 ड्रेसिंग रूम के अलावा 3 प्रैक्टिस ग्राउंड भी होंगे। इसके अलावा इंडोर क्रिकेट एकेडमी और ओलंपिक के मानक के अनुसार स्विमिंग पूल, स्क्वैश एरिया और टेबल टेनिस एरिया भी होगा। भूकंप का असर नहीं होगा। इस स्टेडियम पर नव निर्मित सरदार पटेल स्टेडियम हर लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। इस स्टेडियम से महज 300 मीटर की दूरी पर मेट्रो स्टेशन है। इसमें नॉर्मल फ्लड लाइट्स की बजाय LED लाइट्स हैं। नए स्टेडियम पर भूकंप का भी असर नहीं होगा।